और खबर बिजनौर से, बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित किया है। पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाया। पीड़ित बेटी ने थाने में दर्ज कराई है रिपोर्ट। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बिजनौर के नजीराबाद थाना इलाके की है घटना। थाना नजीबाबाद में 24 वर्षीय युवती ने अपने पिता के विरुद्ध दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए FIR पंजीकृत करवाई है। युवती का कहना है 15 वर्ष की उम्र से ही उसके पिता उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करते रहे हैं और आज शादी के बाद भी जब वो अपने घर पे दवाई लेने कहीं गई थी तो पिता ने पुनः उसके साथ दुष्कर्म का ये प्रयास किया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, मेडिकल करवा लिया गया है, 164 के बयान उसके करवाए जा रहे हैं और जो अभियुक्त पिता हैं उनको भी फैजल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं बिजनौर से। फैजल, मामले में पुलिस ने अभी तक इस आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या कुछ खुलासे हुए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये थाना बिजनौर के नजीबाबाद का है और लड़की का कहना यह है कि बचपन से मेरे साथ ये गलत व्यवहार करते आ रहे थे, गलत रेप करते आ रहे थे और इसका मैंने आज तक कोई शिकायत नहीं की, लेकिन जब मेरी शादी हो गई, शादी के बाद मैं घर आती हूँ और घर आने के बाद ये किसी बहाने से फिर वही हरकत करते हैं, तो उससे आज ये नाराज हो गए, थाना कोतवाली नजीबाबाद आई और इन्होंने एप्लीकेशन दी पीड़िता ने अपने बाप के खिलाफ कि मेरे साथ बहुत समय से रेप करता आ रहा था, अब मुझे इंसाफ चाहिए। उसमें SP संजीव कुमार त्यागी ने मुकदमा दर्ज कर पिता को जेल भेज दिया। चले, बहुत शुक्रिया फैजल आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है और बेटी ने बताया कि किस तरह से उसका बाप अपनी हवस का शिकार उसको बार बार बना रहा था। पीड़ित बेटी ने थाने में दर्ज कराई है FIR। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया और जेल भेज दिया है। पीड़ित बेटी ने थाने में दर्ज कराई है रिपोर्ट और पुलिस ने भी मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाया। पीड़ित बेटी ने मामले में पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। आखिरकार पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।